काम खुद तो किया नहीं, लेकिन जो करता है उसके रास्ते में रोड़े डाले, उसका बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। और जिसने अपने उलमा को सताया, अपने उलमा की तोहीन की, इसका बुढ़ापा भी बड़ा खतरनाक होता है। और मेरे भाइयों, ये बात याद रखो, दुनिया में हर गुनाह की सजा, जैसे एक आदमी ने जीना किया कुरान में सजा मौजूद है, चोरी की कुरान में सजा मौजूद है, उलमा के साथ बुरा सलूक किया उसके बारे में कुरान साइलेंट, लेकिन हदीस में हमारे नबी ने क्या फरमाया, मैं और मेरा परवरदिगार आलम कल कयामत में उसके साथ जंग करने के लिए तैयार होंगे जिसने उलमा को सताया है, जिसने उलमा को रुलाया है। और मेरे प्यारो, हर गुनाह की सजा दुनिया के हाकिम देते हैं। जैसे एक आदमी चोरी के मुकदमे में पेश किया गया तो हुकूमत की तरफ से सजा मिलेगी, अरे शराब के अंदर पेश किया गया हुकूमत की तरफ से सजा मिलेगी, लेकिन जिसने किसी आलिम को सताया, जिसने किसी आलिम को रुलाया, उसको दुनिया वाले सजा नहीं देते, खुद उसकी औलाद उसको सजा देती है, उसकी औलाद उसकी नाफरमान हो जाती है, फिर वो अपनी औलाद को कुछ नहीं कह सकता। वही आदमी है जो अपने मौलवियों पर हुकूमत करता है। इसलिए मेरे प्यारों, ये कयामत करीब आ चुकी है। अब मालूम नहीं हजरत मेहदी कब तशरीफ लाने वाले हैं, कुछ पता नहीं है। दुनिया कब खत्म हो जाने वाली है कुछ पता नहीं है। तो कयामत के आने से पहले पहले इल्म को खत्म होने मत दो, बल्कि उलमा बनाओ। उलमा से चूंकि बयान फरमाया, अगर अपने बच्चों को आलिम नहीं बना सकते तो कम से कम उनसे नफरत की निगाहों से उनको न देखो, मोहब्बत की निगाहों से देखो, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक हमें आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमाएगा, दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमाएगा। अल्लाह हम सबको अखलाक के मुस्तफ़ा वाली जिंदगी नसीब फरमाए।